अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल। और आज एक नए सफर की जानब रवानवा हैं हम, और मंजिल है हमारी शाहराम फॉरेस्ट। खारियाँ पहुंच गए जी हम, अब खारियाँ में टी ब्रेक करेंगे और इंशाल्लाह फिर यहां से आगे की जान मूव करेंगे। शय आ गई है जी और मंजिले में मकसूद पे पहुंचने वाली है चाय। बंदे इंतज़ार कर रहे हैं, चाय पी ली है और बस दोस्त निकल रहे हैं और मैं भी बस निकलता हूँ। जी कासिम आप भी रेडी हो? ऑल सेट जनाब। इमरान को तो कुछ लगता ज़्यादा जल्दी है जी। जी भाई, असल में इमरान ना बड़ी मुश्किल से सेट होता है भाई, एक दफ़ा हो जाए तो उसकी कोशिश होती है बस निकला जाए। ऑलमोस्ट रवात पहुंच गए हैं और अभी फजर का टाइम है, फजर की अजानें हो चुकी हैं। अभी हम इधर टी और प्रेयर ब्रेक करेंगे रवात में ही, टी चौक के करीब ही करेंगे कोई ब्रेक, ताकि साथ ही उधर से इस्लामाबाद की साइड के हो जाए। टी चौक पे जैसा मैंने पहले बताया प्रेयर और टी ब्रेक जारी है। अरे इमरान, अरे कासिम और डॉक्टर साहब भी नमाज पढ़ के आ चुके हैं और बस चाय नोश फरमाने लगे हैं जी। गुड मॉर्निंग इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग वी हैव। वी आर वेदर प्लेजेंट ऐसे, लेकिन थोड़ा है हेजीनेस है, माने इस थोड़ी सी फॉगी मॉर्निंग है, लेकिन जो ग्रीनिश टच है वो बड़ा शानदार। मरी की जानब गामजान है और दोस्त फुली इंजॉय कर रहे हैं, कासिम भी इंजॉय कर रहा है राइड को और हाई मज़ा आ रहा है जी, बहुत शानदार किस्म का। एक तो ये है कि सुबह का टाइम है, रश जो है वो नहीं है, आपको रोड जो है वो फ्री मिलती है, और दूसरी बात ये कि मौसम बड़ा शानदार मिला है। इमरान भाई भी अपने तासरात से हमें आगाह करेंगे। ये कोई इंसिडेंट हुआ लगता है, अल्लाह माफी दे जी। अस्तगफुर अल्लाह। लोअर टोपा पहुंच गए हैं जी हम और इधर थोड़ा सा धूप में रेस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है, पीछे मौसम आसा ठंडा था। और दोस्त कुछ पीछे भी हैं, वो भी आ लें उतनी देर। ये जी
कोहाला से तकरीबन 13-14 किलोमीटर पहले तक जो रोड है वो काफ़ी बुरी हालत में है। बुरी हालत में इस सेंस में कि रोड खुला हो रहा है, रोड को खुला कर रहे हैं और पत्थर बहुत ज़्यादा हैं और रोड की हालत बहुत बुरी है। खैर इंशाल्लाह अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी तोसी का काम जारी है, इसकी खुला हो रहा रोड, तो इंशाल्लाह ये बन जाएगा ये भी पैच जल्दी, तो ये फिर थ्रू आउट बड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा रोड। कोहाला के मुकाम पे अभी स्टे करेंगे नाश्ते के लिए, और एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, आपको ये दिखाते हैं, हैरान परेशान होटल। चने स्पेशल आ गया है, ये स्पेशल ऑमलेट और ये तंदूरी रोटी। ये इमरान घर से पाए पैक करवा के लेके आया था, वो भी हम खा रहे हैं। थैंक यू इमरान। मुजफ़्फ़राबाद से बालाकोट जाते हुए जो रास्ता हम इस्तेमाल करते हैं वो बरास्ता गढ़ी हबीबुल्ला से होता हुआ जाता है, और गढ़ी हबीबुल्ला से पहले जो रास्ता भी हम क्रॉस कर रहे हैं इसको लोहार गली कहते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है, इधर से मुजफ़्फ़राबाद के व्यूज़ आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। शहरान फारस जाने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा पारस, तो खैर पारस हम पहुंच गए हैं जी। जब आप पारस बाज़ार में पहुंचे, मेन बाज़ार में, तो ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन एक फिलिंग स्टेशन है, तो ये उसके बिल्कुल साथ से ये रास्ता शहरान फारस के लिए नीचे जाता है। ये तकरीबन सारा जो ट्रैक है ऑफ रोड है, आपको कच्चा ट्रैक मिलेगा, रास्ता 4x4 जीप के लिए बना हुआ है और बाइक को आपने खुद लेके जाना होता है। और हमने जो यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके तहत ये है कि जी तकरीबन 16-17 किलोमीटर का ये ट्रैक है टोटल, जिसमें अगर आप सामने देख सके ऊपर वो सामने वो ऊपर टावर नजर आ रहा होगा, टावर नजर आएगा कम्युनिकेशन का, वहाँ तक कहते हैं जी 8 किलोमीटर तकरीबन रास्ता बनता है जो कि चढ़ाई है, मुसलसल एलिवेशन है। फिर उसके बाद कदरे जो है वो फ्लैट आ जाएगा और थोड़ी सी उतराई है, उसके बाद तकरीबन 10 किलोमीटर तो आप शहरान फारस पहुँच जाए। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। वो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, उस ब्रिज से हम पार करेंगे द्रैगनहार को।
थोड़ी चढ़ाई चढ़ के हम ऊपर आ गए हैं और व्यू इधर से मैजेस्टिक किस्म का व्यू है। नीचे ये सारी पारस की आबादी नज़र आ रही है, लोकल कम्युनिटी नज़र आ रही है, और सामने खूबसूरत बुलंदों वाला जो है पहाड़ नज़र आ रहे हैं खूबसूरत किस्म के। पीछे जहाँ तक अपने ट्रैवल किए वहाँ तक तो ट्रैक ठीक था, लेकिन यहाँ से आके ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मेरे हिसाब से इंक्रीज़ हो गया, यानी अब मॉडरेट से बढ़ गया ये ट्रैक उसकी वजह। लेकिन ये है कि बाइक्स जो फुली साथ दे रही हैं, किसी तरह का बाइक मसला नहीं कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त और फैसिनेटिंग जगह पे मैं मौजूद हूँ और कमाल जगह है ये। बस शारान फॉरेस्ट का जो मेन स्पॉट है उसे थोड़ा सा पीछे है शारान फॉरेस्ट से। वो जो सामने आपको नज़र आ रही है आबादी वो शोगरा है, और वो बिल्कुल नीचे बिल्कुल एंड पे जिधर दरिया बह रहा है उसके साथ वो रहा पारस, और बादलों ने घेरा हुआ पूरे इर्द गिर्द के इलाके को। और वैसे भी बड़ी शानदार और ज़बरदस्त जगह है ये, इस तरफ भी यानी कि बड़े शानदार व्यू हैं, और इस साइड से हम आए हैं अभी।
नो डाउट के शरान फॉरेस्ट की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है भाई। और इस ट्रैक ने हमें बहुत ही इंजॉय करवाया और स्टिल करवा रहा है इंजॉय खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं ये इधर फंस गया था आए, लेकिन निकल गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड। ये मेरी लेफ़्ट साइड पे जो शरान फॉरेस्ट के कैंपिंग पॉड्स वगैरह हैं वो हैं, तो लेकिन मुझे यहाँ की नस्बत जो पीछे जगह थी यूथ हॉस्टल, पाकिस्तान यूथ हॉस्टल, वो मुझे ज़्यादा फैसिनेट की ये जगह। तो इधर आज तो एक तो ये है कि रश बहुत ज़्यादा है, इधर काफ़ी लोग आए हुए हैं तो रश खासा ज़्यादा है इधर। तो हम खैर वापस यूथ हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, तो उधर जाके अपना टेंट वगैरह लगाएंगे। आज शरान फॉरेस्ट आना बहुत ही ज़बरदस्त रहा, यानी मेरे कागज़ों में मिशन अकम्पलिश रहा। तो बड़ा मज़ा आया, नेचर के बड़ा करीब तरीन हमने करीब तर अपने आप को पाया। खैर अभी हम ये वापस पाकिस्तान यूथ हॉस्टल पहुंच गए हैं, तो इधर हम टेंट वगैरह का कुछ सोचते हैं लगाने का, पिच करने का। हम पहुंच चुके हैं शरान फॉरेस्ट और कैंप हमने पिच कर ली है। ये मेरी बैक साइड पे आपने देख ली है और पूरा प्रोसेस भी आपने देखा टेंट पिच होने का। खाना हम खुद बनाएंगे, चिकन हमने जो पारस से ख़रीदा था उसको कुक करेंगे और इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे उसको। खाने में चिकन कढ़ाई बनाइए खुद भी, और ये देखें आप ज़बरदस्त बनी है और स्मेल भी बड़ी शानदार है। तो बड़े मुश्किल हालात में बनाई है, बड़ी मुश्किल से बनी है क्योंकि सेक जो था वो बिल्कुल कम लग रहा था। ये समा है जी इस टाइम हमारे कैंपिंग साइट पे, और एक मज़े की बात भी मैं आपको बताता हूँ बाद में, पर पहले लेकिन हम ही अभी हम फोकस करेंगे खाने पे, क्योंकि ये बंदे मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिला है इधर अपना शरान फॉरेस्ट में। ये पूरी टीम माशाल्लाह जी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त वसीम आजम भाई, ये हाँ, तो ये भी अपनी टीम के साथ इधर मौजूद है। तो बड़ा ज़बरदस्त इनसे मिलके लगा और दुनिया बहुत छोटी सी लगी और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह हमारी भतीजी है वसीम भाई की बेटी जमल, और ये साहबजादा हमारा भतीजा है जी माशाल्लाह मुजम्मिल, और एक साहबजादी आराम कर रही है कैंप में। नहीं नहीं कपड़े चेंज करके आ रही है। अच्छा चेंज करके आ रही है। आज बड़ा जंगल में मंगल का समा है जी, ये 360 डिग्री आपको व्यू दिखाते हैं। हाँ हमने तो खा लिया है और वो सामने अभी इन प्रोग्रेस है। तो हमने तो खैर सुबह नाश्ता किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, ये
तो हमारी फोटोग्राफ्स भी बड़ी अच्छी बनाई है माशाल्लाह। खाना खाने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, अब बहुत बाहर का माहौल ठंडा हो गया और हम चूंकि कल रात से सफ़र में हैं तो अभी नींद आ रही है बड़ी शदीद किस्म की। सो अभी हम रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की एपिसोड में, आज के दिन के सफ़र में मुझे दें आप इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।